हाँ जी भक्ति मार्ग में जो गायन है प्रियतम आन मिलो, ये कृष्ण के लिए गायन है। आन मिलो इसका मतलब है कि भक्ति मार्ग में तो गीता का भगवान कृष्ण को मान लिया है, तो कृष्ण के लिए समझते हैं। अब वो कृष्ण सतयुग का कृष्ण तो नहीं है, उससे मिलने की तो बात ही नहीं है। कौन से कृष्ण की बात है जो भगवान भी गाया जाता है? नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण कहा जाता है, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज ब्रह्मा वो शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण कहा जाता है। तो तुम साथ सजनिया हो, साथ में ले जाने वाला साजन एक है और साजन तो साकार ही होता है। बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप निराकार आत्मा है, वो तो सिर्फ बाप है, उसके साथ दूसरा कोई संबंध नहीं बनता है। वो जब साकार में आते हैं तो सब है सीताएं, सब है सजनिया, वो एक बाप है ग्राइडरूम। इसलिए भक्ति मार्ग में भी गायन है प्रियतम आन मिलो, परंतु गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। अभी बाप ने समझा दिया है, कृष्ण तो सतयुग का बच्चा, सतयुग का प्रिंस था, मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता था, उससे आन मिलो मिलो की तो बात ही नहीं है। मिलने का मतलब है कि सब आत्माओं के संस्कार एक बाप के साथ मिल जाए। जैसे बाप निराकारी निर्विकारी निरहंकारी है, वैसे सब आत्माएं कैसी बन जाए? निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बन जाए। आन मिलो तो कोई देह से आन मिलो की बात थोड़ी है, ये तो बच्चों को पुरुषार्थ करना पड़ता है, सब सजनियों को पुरुषार्थ करना पड़ता है, जिससे प्रीति की जाती है उसके समान बनना पड़ता है। तो बाप है निराकारी तो बच्चे भी निराकारी निर्विकारी निरहंकारी होने चाहिए, तब साजन सजनियों को अपने घर ले जावेंगे। वो कहाँ राजयोग सिखाया? नहीं, तो भक्त बताते हैं ना, भक्त तो जानते नहीं है ना, ये भक्तों की बात है। और अग्नि कुंड से कैसे पैदा हुई? अग्नि कहा जाता है योग अग्नि को, अग्नि कहा जाता है ज्ञान अग्नि को। तो भक्तों ने तो स्थूल अग्नि समझ लिया और कंपिल में
यादगार बना दी स्थूल यज्ञ पुण्य की। वास्तव में ये ज्ञान यज्ञ कुंड है जहां से द्रौपदी की प्रत्यक्षता होती है। द्रौपदी का मतलब ही है ध्रुव पद है जिसका। लोग समझते हैं नैया डूबी की डूबी, बाप कहते हैं नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन द्रौपदी की नैया डूबेगी नहीं। और ये पांडव जूझ के और स्त्री को रखा ये ऐसा ये वेद की बात को हद में दिखा लिया। हाँ तो थोड़ा और अच्छा लगता है ये जो पुरुषार्थ चल रहा है जिसमें भगवान सिखाते हैं कि बच्चे इस ज्ञान यज्ञ में तन मन धन सब स्वाहा करो, ये अपना तन ही तन नहीं है। जो बाल बच्चे बीवी होते हैं वो भी अपना तन है जिनके ऊपर अधिकार होता है, उनको अर्पण कर दो। अपन को आत्मा आत्मा भाई भाई समझो, ऐसे नहीं समझो कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा भाई है, ये मेरी पत्नी है। नहीं, जब एक बार बुद्धि में बैठा दिया, अंजाम कर लिया कि हम आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, परमात्मा बाप हमारा बाप है, तो भाई भाई का संबंध निभाना चाहिए ना। तो इस तरह अर्पण करने की बात है। वो तो ठीक है, फिर वो तो पांडव और कौरवों के बीच में बता दिया ना। हाँ। तो सबसे जास्ती लगाव जो होता है वो पुरुष का किसके साथ होता है, कौन से संबंध के साथ सबसे जास्ती लगाव होता है? जिससे सबसे जास्ती लगाव होता है उसी संबंध को अर्पण कर देना, उसमें प्राप्ति भी बहुत है। इसलिए बोला ठीक है विष्णु को भगवान समझिए। नहीं, विष्णु को भी कृष्ण को भी राम को भी भगवान तो उन्होंने बहुतों को समझ लिया। हाँ। समझ के स्त्री को कृष्ण की आज्ञा अर्पण निकाला था, कृष्ण की आज्ञा अर्पण किया हुआ निकाला था, वो पांडव के बीच में वो तो यज्ञ किया माने जुआ खेला, ये दिखाया कि ये खेल खेल रहे हैं हम ये पुरुषार्थ का खेल खेल रहे हैं। इस खेल में ये एक प्रकार का जुआ है, जो इस जुए में सब कुछ अर्पण करेंगे अंत में वो ही जीतेंगे। कुछ तो चालाकी कर लेते हैं, अपना अपनी मुट्ठी में रखते हैं और पांडवों का वो भी अपनी मुट्ठी में कर लिया। प्रैक्टिकल में देखने में आ रहा है, बेसिक में क्या किया, अपना अपनी मुट्ठी में रखा और जो भी घर गृहस्थ में चलने वाले थे पुरुषार्थी उनका भी अपनी मुट्ठी में कर लिया। अब उनको तीन पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, सारा राजभाग किसके हाथ में आ गया, कौरवों के हाथ में आ गया। जो कौरव कुरु की संतान है, कुरु माने हम करने वाले हैं, भगवान नहीं करता है स्वर्ग स्थापन, भगवान तो ज्ञान सुना के चला जाता है ब्रह्मा के तन में। हम सब कुछ करते हैं लेकिन करते कैसे हैं, अपना अपनी मुट्ठी में रखते हैं और दूसरों का भी अपनी मुट्ठी में ले लेते हैं और दूसरों को कहते हैं जाओ अब तुम फिरो जंगल में मारे मारे।
उनको वनवास मिल जाता है, तीन पैर पृथ्वी का उनको ठिकाना नहीं मिलता। तो पांडव होते हैं गरीब, कौरव होते हैं धनाढ्य, कैसे धनाढ्य बन गए, कैसे पूंजीपति बन गए, हैं? दूसरों की धन संपत्ति धर ली और क्या बन गए, धृतराष्ट्र बन गए। धृत माने धारण कर ली, धर ली, राष्ट्र माने धन संपत्ति। जिन्होंने दूसरे के हिस्से की धन संपत्ति भी अपनी मुट्ठी में धारण कर ली वो धृतराष्ट्र हो गए, और वो हो गए धृतराष्ट्र की औलाद। बाहुबल वाला भी हो गए। हाँ जी, हाँ जी, जब बाहुबल, धन का बल भी तो धन काय से कमाया जाता है, बाहु से ही कमाया जाता है, तो धन बल भी बाहुबल है। ऐसे नहीं हाथ पांव चलाना ही बाहुबल है, शस्त्र चलाना वो ही बाहुबल है, नहीं, धन का दुरुपयोग करना वो भी बाहुबल है। धन को घूस में दे दिया, रिश्वत में दे दिया, और प्रशासन के जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं उनसे उल्टा काम करा लिया, मीडिया वालों को पैसे दे दिए, उनसे ग्लानी करवाई दी। तो ये जो धन का उपयोग किया है इसे बाहुबल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? और बाबा विष्णु और वैष्णवी देवी में अंतर क्या है? वैष्णवी देवी जो है वो देवी है, स्त्री चोला है, और विष्णु देवता का रूप है। उनकी भुजाएं भी अलग अलग दिखाई हुई हैं, अलग अलग पार्ट हैं। नारायण और महानारायण, लक्ष्मी और महालक्ष्मी। और शंकर ब्रह्मा, ब्रह्मा का कपाल को खींच लिए, कपाल शंकर को बिना छोड़े, शंकर को दीक्षा मांगना पड़े। क्या बोल रहे शंकर का कपाल? हाँ, जो भीख मांगे रखते हैं ना, हाँ, उसके बारे में कुछ बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया। इच्छा पात्र, हाँ हाँ, कुछ और थे ना, उसके बारे में कुछ बोल रहा है, समझ में नहीं आया। जो भिक्षा पात्र है वो मनुष्य की, जो जलाने के बाद मनुष्य शरीर की खोपड़ी बचती है उसको भिक्षा पात्र बनाया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि पात्र में उन्होंने जाकर के अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी। अन्नपूर्णा उनको भिक्षा में देती है अन्न, ऐसे भक्ति मार्ग के चित्रों में दिखाया है। लेकिन अन्न हद का भी है और अन्न बेहद का भी है। बेहद का अन्न है याद, और जल है ज्ञान। तो अन्न भिक्षा पात्र में डाला, वो बेहद का अन्न जो भिक्षा पात्र में डाला है वो याद खोपड़ी में समाती है या कोई स्थूल पात्र में समाती है?
खोपड़ी में समाती है, इसलिए हाथ में वो खोपड़े का भिक्षा पात्र दिया हुआ है। हाँ, और प्रत्येक प्रकार का गुण क्या क्या है? ये जो भोग होते हैं ना, वो भोग ऐसे ही हैं जैसे बुद्धि को विपरीत बुद्धि बनाने वाले। छत्तीस प्रकार के भोग, छत्तीस शब्द जब लिखेंगे तो तीन का मुंह इधर होगा और छह का मुंह दूसरी तरफ होगा। ये छत्तीस प्रकार के भोगों में नमकीन भी होगा, मीठा भी होगा, दोनों एक दूसरे के विरोधी हो गए। तो छत्तीस प्रकार के भोग कहे गए हैं, एक दूसरे के विरोधी गुण पैदा करने वाले। भोजन भी व्यभिचारी होना चाहिए या अव्यभिचारी होना चाहिए? अव्यभिचारी भोजन होना चाहिए। आज के जो प्राकृतिक चिकित्सक हैं वो भी कहते हैं कोई भी फल खाना है तो एक ही फल खाना है एक बार में। अरे एक बार में दो फल खाए तो दो प्रकार का रस बनता है और वो एक दूसरे का विरोधी प्रभाव पैदा करता है। फ्रूट सैलेड बनकर सभी फल को मिक्स करके खाना चाहिए। तो ज्यादा पैसे वाला होगा वो तो ऐसा भी कर लेगा। जिसके पास इतना पैसा नहीं है, गरीब निवाज बाप का बच्चा है, उसके लिए तो बाप कहते हैं कि मार्केट में जाओ, सस्ते में सस्ता जो फल हो और सस्ते में सस्ती जो सब्जी हो वो दो चार दिन के लिए इकट्ठी उठा लाओ। और शिव मंदिर को सेंटर में है, सेंटर को शिव मंदिर बंद होता है, शिव मंदिर को सेंटर को बंद है और सीता पाठशाल को लक्ष्मी नारायण मंदिर बनता है और अम्बा का मंदिर को शिव मंदिर को क्या बोलते सेंटर शिव मंदिर बोलते हैं, शिवालय और गीता पाठशाला को लक्ष्मी नारायण बोलते हैं और अम्बा का शिव के मंदिर को लक्ष्मी नारायण का मंदिर नहीं कहेंगे, ठीक है? और शिव अम्बा का मंदिर का मतलब यह है कि जब अम्बा की गुहार लगाते हैं तो पिता को भूल जाते हैं। जो अम्बा के भक्त हैं वो सिंगल उपासनाधारी हैं या डबल उपासनाधारी हैं? सिंगल उपासना वाले हैं। उनको समझाना पड़े कि हमारा देवी देवता सनातन धर्म का रूप नहीं है, ये प्रवृत्ति मार्ग का रूप नहीं है, जगदम्बा के द्वारा जगत के धर्मों की स्थापना होती है। जगत में जो और धर्म फैले हुए हैं वो प्रवृत्ति मार्ग के धर्म नहीं है, वो सब निवृत्ति मार्ग के धर्म है। प्रवृत्ति मार्ग का धर्म तो शिव बाबा ही आकर के स्थापन करते हैं। इसलिए शिव के मंदिर में जो पूजा करेंगे और शिव के मंदिर में जो जाकर के सेवा करेंगे वो भक्त अलग प्रकार के हुए। देवी के मंदिर में जो जाके सेवा करेंगे वो समझाने के लिए करेंगे कि वो निवृत्ति मार्ग की उपासना का रूप है। हम सीधे सीधे नहीं समझा सकते उन भक्तों को कि देवी के पुजारी हैं रावण संप्रदाय राक्षस संप्रदाय, उनको घुमा फिरा करके समझाना पड़ेगा।
और विजयदा के तन में शिव भाव नहीं आता है, विजयदा के तन में शिव भाव नहीं आता है, लेकिन अव्यक्त वाणी से हमको बहुत पॉइंट इशारा गुरुभ्यर्थ मिलता है ना। बताओ कौन कौन से मिलते हैं? वो इशारे, वो गुह्यार्थ हमें भी बताओ, जिनसे ये साबित होता है कि गुलजार दादी में शिव बाबा आते हैं, ब्रह्मा बाबा नहीं आते हैं, बताओ। अब पंगे मतलब, पहले एक बात पूरी करो, गुलजार दादी के तन में शिव बाबा आते हैं या नहीं आते हैं? तो ये बात अभी जो बोली सो, लेकिन अव्यक्तवाणी से है। अव्यक्तवाणी में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, अव्यक्तवाणी तो माता की वाणी है, माता की वाणी पिता की वाणी के बरखिलाफ नहीं जा सकती। ब्रह्मा माता है, प्रजापिता पिता है। नहीं बाबा, वो भाई सूत्र है, वो आदित्य गण में भी ऐसा ऐसा दुखी दुखी बातें निकलते हैं ना, इसलिए। तो आप भाई की तरफ से बता दीजिए कौन से ऐसे वाक्य हैं जो मुरली के बरखिलाफ जाने वाले हैं। मुरली में तो बोला है कि मेरा दिव्य जन्म होता है, मेरे जैसा दिव्य जन्म कोई मनुष्य मात्र का, कोई भूत प्रेत आत्मा का हो नहीं सकता। मैं जिसमें प्रवेश करता हूं उसको पता भी नहीं चलता है मैं कब आया और कब गया। और गुलजार दादी को वो तो सामने वालों को भी पता चल जाता है कि गुलजार दादी में प्रवेशता हो गई, चेहरा मोरा साफ बदल जाता है। तो इसके विपरीत अगर अव्यक्तवाणी में कोई वाक्य आया है तो बताओ। अव्यक्तवाणी तो सारी मुरली के पैरेलल ही चलती है, क्रास नहीं करने वाली है, मुरली के एक भी वाक्य को अव्यक्तवाणी क्रास करने वाली नहीं है। वो माता पिता ही क्या जो एक दूसरे का काट कर दें। तो अव्यक्तवाणी का पॉइंट सभी मुरली में है। अव्यक्तवाणी जो है उसमें अंतर सिर्फ इतना ही है कि मुरली है ज्ञान की भाषा, ज्ञान को क्लियर करने वाली, सृष्टि के आदि मध्य अंत की बातों को क्लियर करने वाली, मनुष्य आत्मा के 84 जन्मों को क्लियर करने वाली। और जो अव्यक्त वाणी है वो देवात्मा की चलाई हुई वाणी है, जो देवात्मा सतयुग में 16 कला संपूर्ण देवता तो बनेगी परंतु भगवान भगवती का टाइटल धारण करने वाली नहीं है। इसलिए अव्यक्त वाणी धारणाओं की वाणी है, अव्यक्त वाणी चलाने वाला धारणाओं का राजा है, धारणाओं का राजा धर्मराज को कहा जाता है। इसलिए महाभारत में भी युधिष्ठिर को धर्मराज कहा गया है, धारणाओं का राजा है, धारणा की वाणी चलाता है, वो ज्ञान की वाणी नहीं है। बस इतना अंतर है, बाकी एक भी पॉइंट अव्यक्त वाणी का मुरली के महावाक्यों को काटने वाला नहीं हो सकता। अगर एक भी पॉइंट ऐसा निकल आए जिससे ये साबित हो कि गुलजार दादी में शिव बाबा आते हैं, ब्रह्मा बाबा नहीं आते हैं, तो वो मुरली को काटने वाला पॉइंट हो गया। फिर वो माता की वाणी कहां रही? वो तो किसी दुश्मन की वाणी हो गई। ये तो ऊंचते ऊंचे माता पिता हैं, जगत पिता जगदम्बा। और कारण
धंधा दोरी गंगा अरे गंगा संन्यास धर्म की और गौरी चंद्रवंश की थोड़ी सूर्यवंशी की पक्की तो झगड़ा नहीं होगा। जो गौरी है उसको पार्वती कहते हैं, पार्वती जो है वो प्रवृत्ति मार्ग की पक्की है और गंगा संन्यास धर्म की पक्की है, तो एक दूसरे के विरोधी हो गए ना। और विष्णु पितामह जिन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की, भयंकर प्रतिज्ञा कर डाली, क्या कर डाली कि मैं जीवन भर है संन्यास धारण करके रहूंगा, शादी नहीं करूंगा। तो मुख्य धर्म ही चार हैं, देवता, इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन। इन चार धर्मों का कोई कोई ना कोई बीज होंगे ना। जब बाप आते हैं तो ये चार बीज रूप आत्माएं चार धर्मों के बीज रूप साबित हो जाते हैं। उनमें एक ही है, जो निवृत्ति मार्ग का पक्का है और हैं निवृत्ति मार्ग के दूसरे धर्म भी, लेकिन वो उतने पक्के नहीं है। संगम युग में ही शादी करके बैठ जाते हैं। लेकिन जो इस्लाम धर्म का बीज है, जिसे शंकर का बड़ा बच्चा दिखाया गया है कार्तिकेय, वो शादीवादी नहीं करता है। और बाबा गीता ज्ञान दाता शिव शंकर भोलेनाथ है, लेकिन ब्रह्मा से वाणी निकले तो ब्रह्मा गीता ज्ञान दाता क्यों नहीं होता? गीता चैतन्य है या गीता जड़ है? चैतन्य चीज है वो समझ में आने योग्य होती है कि बेसमझी की बात है? तो जो गीता समझ में ना आए, जिस गीता के रहस्य का समझ में आना ही मुश्किल है और जिसके द्वारा बोली गई है उसकी समझ में नहीं आई कि गीता माता का असली पार्टी किसका है और उस गीता माता का कृष्ण बच्चा कैसे है और उसका गीता पति भगवान कौन है, ये बात ब्रह्मा बाबा को समझ में आई? इसलिए अंतर पड़ता है। बाबा सच्ची गीता में सच्ची गीता पाठ सुनाते हैं, उसको कंठ करके सुनाना ये ठीक है या उसको साथ को समझ के बाद में पता रखे? चाहे सच्ची गीता हो और चाहे संस्कृत की गीता हो, जिसको झूठा बनाया है मनुष्य गुरुओं ने, पकड़ना है तो पूरा ही पकड़ना है। शब्द बाई शब्द अर्थ भी बुद्धि में बैठना चाहिए और बोलने में भी सही होना चाहिए। जैसे कि संस्कृत की गीता है, संस्कृत के श्लोक भी बोलना भी आना चाहिए, उनका संधि विच्छेद करके एक एक शब्द का अर्थ भी समझना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो गीता ज्ञानी ही नहीं है। यहाँ तो कोई बहुत से लोग हिंदी नहीं समझते हैं, पूरा कंठ करके समझा लेते हैं तो उससे नंबर बार है ना। ऐसे तो नहीं सब हिंदी नहीं समझते, नहीं,
मेजॉरिटी हिंदी नहीं समझते, मेजॉरिटी प्रजा वाली बात होती है, ये मेजॉरिटी राजाएं बन जाते हैं, प्रजा बनती है। और बाबा बीबी के ऊपर रीति सीति चलाते हैं या आत्म प्रवेश करके पुरुषार्थ को डिस्टर्ब करते हैं, इससे बाबा से कौन सा रक्षण और मदद मिलता है? बाबा तो कहते अपना अपना हिसाब किताब पूरा करो। 63 जन्मों में जो अभी पीवी के बने हैं, एडवांस के भांति बने हैं, रुद्रमाला के मण के बने हैं, वो जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं या नहीं है? जब जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं तो उन राजाओं ने दुख दिया है, पाप कर्म किया है या पुण्य कर्म ज्यादा किए हैं? तो हिसाब किताब पूरा नहीं होना चाहिए, अब वो किसी भी रूप में हो। कोई पाप करता है, पापी का भी हम दोष नहीं दे सकते। कोई पाप कर्म करके हमको दुख देता है तो भी उसे दोषी नहीं ठहराना चाहिए, ये ज्ञानी का काम नहीं है। हमको कोई दुख नहीं दे सकता, अगर हमारा हिसाब किताब किसी के साथ नहीं है। हमको वो ही दुख देगा जिसको हमने पूर्व जन्म में दुख दिया होगा, नहीं तो कोई हमको दुखी नहीं बना सकता। जब ड्रामा सामने आता है तो सब बातों का समाधान मिल जाता है। हर आत्मा में टाइम टू टाइम अपना अपना पार्ट निभा हुआ है, हर आत्मा अपने स्वभाव संस्कार से बंधी हुई है। जैसा जिसके अंदर स्वभाव संस्कार जन्म जन्मांतर का भरा हुआ है वैसा ही वो पार्ट बजाएगा। कोई आत्मा में आसुरी संस्कार भरे हुए हैं जन्म जन्मांतर के, दैवी संस्कार जीरो हैं, तो कौन से युग में आके जन्म लेगी? है कलयुग में आके जन्म लेगी? थोड़े मनुष्यत्व के संस्कार हैं, देवताई संस्कार नहीं है तो द्वापर में आके जन्म लेगी? किसी को कुछ भी दोष नहीं दिया जा सकता, ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। गीता में भी लिख दिया है और हम गीता में पढ़ते भी रहे, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, जो भी प्राणी मात्र के कर्म हैं वो प्रकृति के हिसाब से बंधे हुए हैं, उनके स्वभाव संस्कार से बंधे हुए हैं। प्राकृतिक रूप से स्वभावतः ही वो सारे कार्य सारे पार्ट स्वतः ही बजते रहते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते, जो अहंकार में भरी हुई आत्मा है वो ये समझती है कि हमने ये अच्छा काम किया बुरा काम उसने किया। अरे हमने अच्छा या बुरा काम या दूसरे ने अच्छा या बुरा काम क्या करेगा, आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट पहले से ही भरा हुआ है। और बाबा आपको प्रजापिता का विकर्म विनाश हो गया है, ये किसने कहा? इस दुनिया में अगर एक भी आत्मा का पाप कर्म भस्म हो जाएगा, कोई पाप नहीं रह जाएगा, एक आत्मा भी कर्मातीत बन जाएगी,
तो उसका नाम किसके साथ जोड़ा जाएगा? शिव समान बन जाएगा। शिव समान बनेगा तो संसार में प्रत्यक्ष होगा या गुप्त बना रहेगा? प्रत्यक्ष हो जाएगा। ऐसी आत्मा का संकल्प मात्र सिद्ध होगा। संकल्प किया और काम हुआ। दृष्टि और वाचा तो दूर की बात है। वाचा से बोले फिर बाद में वो वाचा सिद्ध हो सफल हो वो तो बाद की बात है। इसलिए रामायण में बोला ब्रकुटी विलास सस्ति लय होई सपन संकट पर ही किसोई। हर गुस्सा आए या थोड़ी सी आंख भी ब्रकुटी भी टेढ़ी हो गई तो सारी दुनिया का विनाश हो सकता है। ऐसी शक्ति भरी हुई होगी। अभी संपूर्ण हैं हम या अपूर्ण हैं? अपूर्ण हैं। इसलिए हम दूसरों को समझाते हैं तो दूसरों को समझ में नहीं आता है। जब हम संपूर्ण बन जाएंगे तो जो हमारे सामने आएगा जो देखेगा जो सुनेगा उसके मुंह से क्या निकलेगा? बाप भगवान आ गया। ऐसी संपन्न स्टेज होती है। और बाबा इस दुनिया में रहकर सेवा पुरुषार्थ करने से और एनएस में जाने से अंतर क्या है? एनएस में जाने से और इसी दुनिया में ईश्वरीय सेवा करने से पुरुषार्थ करने से वहां छटी हुई अच्छी अच्छी आत्माओं का संकलन हो रहा है और यहाँ है सभी प्रकार का भंगार है या चुनिंदा है? सभी प्रकार के हैं। तो कहां संग का रंग अच्छा लगेगा और कहां संग का रंग खराब लगेगा? जहां श्रेष्ठ आत्माओं का चुनाव हो रहा है वहां पहुंचेंगे तो ऑटोमेटिक पुरुषार्थ होगा। खुशी रहेगी। और बाहर की दुनिया में है तो कभी खुशी कभी गम। गम और खुशी का बैलेंस जो है उसमें गम ही ज्यादा देखने में आएगा। अच्छा संग होगा तो पुरुषार्थ अच्छा होगा या नीचा होगा? अच्छा पुरुषार्थ होगा। अच्छा पुरुषार्थ होगा तो सेवाधारी ज्यादा बनेंगे या हल्के सेवाधारी बनेंगे? ज्यादा सेवाधारी बनेंगे तो शिव बाप हमको ज्यादा याद करेगा या कम याद करेगा? तो जब सर्विसेबल बच्चे होंगे वो कहां होंगे? ज्यादा एनएस होंगे। बाप कैसे भी हैं, बाप के बगैर बच्चे नहीं रह सकते और बच्चे बाप को याद किए बगैर नहीं रह सकते। सेवा के बगैर बच्चे नहीं रह सकते और बाप बच्चों को याद किए बगैर नहीं रह सकते। उनका कनेक्शन लगातार जुटा हुआ होगा। और इस दुनिया में हमारा कनेक्शन कभी जुटता है कभी नहीं जुटता है। प्रयास करते हैं तो भी नहीं जुटता। एनएस जाने के लिए क्या क्या कर रहा था वो होना चाहिए? वो तो चुनाव होता है। हम अप्लाई करें कि हमको ले लिया जाए तो नहीं होगा। क्या जब सर्विस का प्रभाव पहुंचेगा तो सतही बुला लिया जाएगा। नो एप्लीकेशन है? नो एप्लीकेशन। हाँ एप्लीकेशन की बात ही नहीं। ऐसे तो एप्लीकेशन देकर के सभी पहुंच जाए। और सबसे अच्छा है
लक्ष्मी की भी याद, लक्ष्मी की नारायण की याद नहीं बोला। सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना, लक्ष्मी को ऐड नहीं करना। लक्ष्मी तो अभी एडवांस में आ गई क्या? लक्ष्मी वाली आत्मा जन्म जन्मांतर राजा बनेगी क्या? फिर हमें लक्ष्य मिला हुआ है क्या बनने का? रानी योग है या राजयोग है? राजयोग। तो हम जन्म जन्मांतर राजा बने, राजा स्वाधीन होता है या रानी स्वाधीन होती है? राजा स्वाधीन होता है, रानी को फिर भी राजा के अधीन रहना पड़ता है। तो बाप हमें स्वाधीन बनाने के लिए आए हैं। ये अंग्रेज गवर्नमेंट हमको क्या बना के गई? नौकर बना के गई। आज पढ़ाई लिखाई पढ़ते हैं तो किस लिए पढ़ते हैं? हैं? हाँ, कि हम नौकर बन जाएं, ऊंची नौकरी मिल जाए। बाबा अधिकारी बनता है, बाबा अधिकारी बनाता है, दुनिया वाले अधीन बनाते हैं। मुसलमान कहते हैं कि कुरान में कहा है कि स्त्री को सम्मान नहीं देना, रेस्पेक्ट नहीं देना है, ये छोटी ही संगम में कहते। मुसलमान कहते हैं, बाबा ने थोड़ी कहा है? और तो कहां रिस्पेक्ट देते हैं? वो जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं वो क्या प्रवृत्ति को सम्मान देते हैं? इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियंस, मुस्लिम, सन्यासी, सिख, ये कहां मान देते हैं? सब निवृत्ति मार्ग ही तो हैं। कि अल्लाह परमिशन दिया है कि पति पत्नी को मार सकता है, परमिशन दिया है, आदमी से पाप नहीं चढ़ता है ऐसा। हाँ, तो ये मुसलमान धर्म है ना, ये देवी देवता धर्म थोड़े ही है। देवी देवता धर्म में तो भक्ति मार्ग में भी ये गायन है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है, मान सम्मान होता है, वहां देवताएं वास करते हैं, देवताएं रमण करते हैं। इतना मान दिया हुआ है भक्ति मार्ग में भी, तो जब भगवान आएगा तो माताओं कन्याओं को कितना ऊंचा उठाता है, है? इन लोगों को कैसे ज्ञान समझाए? मुसलमान ज्यादा ज्ञान में निकले हैं क्या? यहाँ कोई बैठा है मुसलमान अभी है? कोई है? है? अरे बेल्लारी में एक आध दो होंगे कोई, वो भी आखिरी जन्म के मुसलमान होंगे या कई पूर्व जन्मों के मुसलमान होंगे? आखिरी एक दो जन्म में कन्वर्ट हो गए। तो वास्तव में तो वो जन्म जन्मांतर के हिंदू हैं या मुसलमान हैं? वो तो हिंदू ही हो गए। बहुत लंबा लंबा लिखा है इसलिए नहीं पढ़ रहे, ये छोटा छोटा पूछते हैं तो जवाब फटाक से दे देते। बाबा कहते हैं ये भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट, लेकिन बट्टी का समय पूछता है ये भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट से लेना आइडेंटिटी कार्ड का। आइडेंटिटी कार्ड, आईडी कार्ड का पूछता है बट्टी के समय फरुखाबाद में। भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट से लेना आईडी कार्ड को, तो भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट को दिखाने के लिए आईडी कार्ड है, हमारे अंदर के लिए नहीं है। हमारे अंदर के लिए है निश्चय पत्र। और हाँ? हाँ? बाबा ब्रह्म बाबा 100%। अरे रुको, तो क्या पूछ रहे हैं? चिट्ठी पढ़े? अरे चिट्ठी पढ़े, फिर चिट्ठी समझें, फिर उसका जवाब दें, देने योग्य है भी या नहीं है, वो फिर अलग बात हो गई ना। इसलिए
सामने सामने मिल रहा है वो ले लो ना पहले। हाँ बोलो बाबा, ब्रह्मा बाबा 100% श्रीमत से चलता था। अगर 100% श्रीमत से चलेगा तो नर से नारायण डायरेक्ट बनेगा या नहीं बनेगा? ये तो कहते हैं चलता था। अब राम वाले आत्मा 100% श्रीमत से चलता है, ये आपकी दृष्टि, आपनी आपकी दृष्टि क्या कहती है? प्रश्न तो आपका है ना, तो संशय बुद्धि आप हैं, नर की राम वाली आत्मा है। पूछने का मतलब क्या हुआ? पूछने का मतलब है संशय है अंदर या नहीं पूछने वाले के? मालूम नहीं है, इसलिए बाबा क्या बोलते हैं उसको एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट बाबा ये कहते हैं कि जो लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्मा है वो पूरी श्रीमत पर नहीं चलती होगी, कोई दूसरे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। आप भी बन सकते हैं नहीं, आप बन सकते हैं। नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं? तो उमंग उत्साह में रहना चाहिए या संशय बुद्धि बनना चाहिए? उमंग उत्साह में रहने के लिए निश्चय बुद्धि विजयते। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण ही लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं। हम पुरुषार्थ करेंगे तो हम भी बन सकते हैं, हम श्रीमत पर चल के दिखाएंगे। अभी लक्ष्मी नारायण डिक्लेयर हो गए क्या है? नहीं, सन 76 में डिक्लेयर नहीं हुए हैं? डिक्लेयर हो गए है? हो गए। जिन्होंने डिक्लेयर किया है वो निश्चय बुद्धि बनते हैं या संशय बुद्धि भी बनते हैं? सब निश्चय बुद्धि बनते हैं, अनिश्चय कभी पैदा नहीं होता। ज्यादा निश्चय है, ज्यादा निश्चय। चलो ज्यादा 51% निश्चय बुद्धि और 49% अनिश्चय बुद्धि बनते हैं, तो संशय बुद्धि बने ना। तो संशय बुद्धि वालों के द्वारा टाइटल दिया गया कि वो लक्ष्मी नारायण है, तो सही है या गलत है? अरे जो नारायण है वो सृष्टि का, मनुष्य सृष्टि का बाप साबित होता है, होता है या नहीं? तो ये कहा जाए 49% हमारा बाप नहीं हो सकता है और 51% हमारा बाप है, तो सही बात है? ये तो फिर बहुत गड़बड़ बात हो गई। अगर बाप है तो निश्चित रूप से हमारा बाप है 100%, अगर नहीं है तो नहीं है। होना ऐसा चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल में देखने में क्या आता है? प्रैक्टिकल में देखने में ये आता है कि सबको संशय आता है। मुरली में भी बोलती है शंकर का पार्ट ऐसा वंडरफुल है जो तुम बच्चे भी समझ न सको। तो नहीं समझ सकते हैं तो संशय आवेगा या नहीं आवेगा? आवेगा। और बाबा गंगा जगदम्बा बाबा से अभी दूर है, नहीं तो वो पुरुषार्थ में बाबा को भी ओवरटेक करता था। हाँ ठीक है, अभी क्या गंगा और जगदम्बा या यमुना या भरत है या शत्रुघ्न, ये जो पुरुषार्थ करते हैं वो ये समझ के करते हैं कि हम इनसे नीचे बनेंगे? वो जो भी पुरुषार्थ करते हैं वो निश्चय बुद्धि बन करके पुरुषार्थ कर रहे हैं या अपने ऊपर उनको अनिश्चय है? है निश्चय बुद्धि बन के कर रहे हैं, अभी भी कहां समझते हैं कि हमारा पद नीचा होगा?
और बाबा अगर ब्रह्मा बाबा पूरा सुपर फॉलो नहीं कर पाए वो भी शुरू से लेकर अभी तक भी है शुरू से लेकर अभी तक भी यही बोला जाता है फॉलो करो आप क्यों अगर वो आइडियल स्टूडेंट नहीं है लेकिन जिस बात को जानते हैं शंकर उनको फॉलो करने के लिए मना किया जाता है जो कि बात में नारायण मन से 100% आइडियल है फालो बाप नहीं पहले फालो ब्रह्मा फालो ब्रह्मा फालो ब्रह्मा फालो बाप नहीं फालो फादर पहले फालो फादर फिर ब्रह्मा को भी फालो करना है लेकिन बात मेरी मानो माने कर्म में ब्रह्मा को फॉलो करो और बात मेरी मानो ये दो बातें अलग अलग हो गई श्रीमत मेरी मानो लेकिन कर्मों में फॉलो मेरे को नहीं करो शंकर को फॉलो करने के लिए हां किया या ना किया क्यों ना किया क्योंकि शंकर के द्वारा जो डायरेक्शन मिलता है शिव बाबा का वो वाचा के द्वारा मिलता है मेरी बात मानो मेरी वाचा को फॉलो करो लेकिन मेरे कर्मों को फॉलो नहीं करना है फॉलो किसको करना है कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करना है क्योंकि ब्रह्मा ने जो भी कर्म किए हैं वो बच्चा बुद्धि बन करके कर्म किए हैं या सगीर बुद्धि बन के कर्म किए हैं बच्चा बुद्धि बन के कर्म किए बच्चे ज्यादा पाप करते हैं या बड़े ज्यादा पाप करते हैं इसलिए ब्रह्मा को फॉलो करो कागज का वाणी में कदम कदम पर ब्रह्मा बाप को रखो ब्रह्मा बाप भी तो लगा हुआ है बाप ब्रह्मा बाप को ब्रह्मा के साथ बाप भी तो शब्द लगा हुआ है अकेला ब्रह्मा नहीं है मां बाप को फॉलो करो मां बाप की बात मानो तो मां का नाम आगे कर दिया लेकिन बाप का नाम भी तो पीछे लगा हुआ है क्यों लगा हुआ है जो मां और पिता चले गए उसको फॉलो करना संभव है? है जो मां मर के चले गए उसे फॉलो करने में हर जगह वो शरीर से मर वो शरीर से मरकर चला गया या आत्मा भी कभी मरती है? है तो आत्मा कहीं न कहीं काम कर रही है ब्राह्मण परिवार में या नहीं कर रही है तो आत्मा जहां कहीं भी ब्राह्मण परिवार में कार्य कर रही है वो कार्य करने का स्थान ही है जिसे अर्धनारीश्वर कहा गया है त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वम माने एक या दो त्वम युवाम यूयम त्वम एक को कहा जाता है तू युवाम माने दो यूयम माने तुम सब तो बोला गया त्वमेव माता तू ही मेरी माता है तो पर्सनालिटी एक है या दो है? है एक ही पर्सनालिटी है उसे बाप दादा कह दें उसे माता पिता कह दें कंबाइंड रूप है भक्ति मार्ग में उसको अर्धनारीश्वर का रूप दिया है वामांग में वो ब्रह्मा की सोल प्रवेश करके पाठ बजाती है
और परिवार की पालना कर रही है। बिना मां की परिवार की पालना के बच्चे जिंदा नहीं रह सकते। बाप पालना करेगा तो बच्चे जिंदा रहेंगे। मां की सहानुभूति चाहिए। तो ऐसे नहीं कि ब्राह्मण परिवार में मां नहीं है, दोनों हैं। और बाबा एक तरफ है जगन्नाथ माँ और एक तरफ है भारत माता, और लेकिन पूरे जगत में भारत की तो एक खाक है, पूरे जगत में भारत की तो एक खाक है ना, तो एक पाप है, तो जगन्नाथ भारत माता में समाई नहीं होती, दोनों में अंतर क्या है, क्या अंतर ऐसा क्यों बना है? भारत माता का मतलब ही है जो ज्ञान की रोशनी में रत है प्रैक्टिकल जीवन में। जगदम्बा अपने सारे जीवन में ज्ञान की रोशनी में रत नहीं है, वो सारे जगत की अंबा है, क्रिश्चियंस की भी अंबा है, इस्लामियों की भी अंबा है, बौद्धियों की भी अंबा है, सिखों की भी अंबा है, नास्तिकों की भी अंबा है। उसके अंदर हर प्रकार का खून समाया हुआ है। तो जो और धर्मों के लोग हैं वो अज्ञान फैलाने वाले हैं या दुनिया में ज्ञान की रोशनी करने वाले हैं? क्या है? अज्ञान फैलाने वाले हैं। इसलिए उन अज्ञानियों की भी अंबा है। और भारत माता जो ज्ञान में रत रहने वाले हैं उनकी माता है। भा रोशनी को कहा जाता है। ये रोशनी ज्ञान की रोशनी है। ज्ञान सिर्फ बाप से आता है और कोई भी मनुष्य मात्र से नहीं आता है। अज्ञान मनुष्यों से आता है, मनुष्य गुरुओं से आता है, अनेकों से आता है, ज्ञान एक से आता है। और बाबा मोटापो में सम्मुख में बीके होता है, तो अगर तमाही ओनली बीके को या पीबीके को भी होता है? जैसे शिव बाबा बच्चों को इमर्ज करके बात करते हैं, वैसे ब्रह्मा की आत्मा भी बच्चों को इमर्ज करके बात करती है। भले सामने नहीं है तो भी उनको सामने इमर्ज करके बात करती है। जैसे शिव बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों से बात करता हूं, ये बीच में सुन लेता है। ऐसे ही जो अव्यक्तवाणी भी है वो सारी की सारी अव्यक्तवाणी पहले किसको फॉलो करनी है? एडवांस वालों को फॉलो करनी है या बेसिक वालों को फॉलो करनी है? एडवांस वालों को पहले फॉलो करनी है। बाबा सिर्फ संदेश या कोर्स देने से क्या फायदा? कोर्स क्लास बट्टे और बाबा से मिलन के पालन देना पड़ता है ना? ठीक है। सिर्फ संदेश देने से क्या प्राप्त? संदेश देने से प्रजा बनती है। जितनों को संदेश दिया वो हमारी प्रजा बन गई। संदेश देना भी जरूरी है। प्रजा ही नहीं होगी तो राजा कहां से बनेगा? कोर्स देने वाला को प्राप्ति क्या है? वो टीचर है। बहुत से कोर्स देने वाले ऐसे हैं जो दूसरों को कोर्स देते हैं, खुद धारणा नहीं करते। तो ऐसे क्या जाकर के बनेंगे? राजा बनेंगे या टीचर बनेंगे? वो टीचर बनकर के रह जाएंगे, राजा नहीं बनेंगे।
बाबा मुझे शंकर पार्टी का हिंट देने माता वो गान में नहीं चला, वो कोर्स लेकर छोड़ दिया। मैं ढूंढ कर एडवांस प्लान ले गया। तो उस माता का क्या प्राप्त है? वो दूसरे धर्म में चली गई। और प्रकृति माने स्वभाव, हर आत्मा का अपने अंदर अपना अपना स्वभाव संस्कार भरा हुआ है, 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। उस स्वभाव संस्कार के अनुसार हर आत्मा अपना पार्ट बजाने के लिए मजबूर है। नहीं बनाया हुआ तो कब बनाया, प्रश्न पैदा होता है। किस रूप के द्वारा बनाया, निमित्त कौन बना, वो निमित्त का नाम चाहिए। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्मा विभाग से, इसका मतलब ये हुआ कि संगम युग में मैंने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान के आधार पर चार वर्णों की रचना स्वतः ही हो जाती है। कहा जाता है मया सृष्टम,